वो अंकल जो बता रहे थे हमें आगरा के मिले थे, वो एक ही बात बोल रहे थे कि यहाँ से उतरो तो ध्यान रख के उतरना, बहुत इस चीज का ध्यान रखना है जब भी उतरो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पैर पिछला ना तो नीचे जाओगे और बचने की कोई उम्मीद नहीं है, एम्बुलेंस आएगी जब तक तो हम ऊपर पहुंच जाएं। इस चीज आप देख रहे हो ना पहाड़ यहाँ पे भाई, ये देखो यहाँ पे लैला मजनू भी आते हैं, जिया बिया कुछ लिख रखा है इन लोगों ने, और भाई क्या चीज है यार, पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं लाल लाल और कुछ नहीं दिख रहा। तो गाइस मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा, तो ये देखिए झरना, इस चीज को दिखाने के लिए हम लेके आ रहे थे, दूर से बहुत छोटा दिख रहा था लेकिन अभी यहाँ से देखोगे ना अल्टीमेट व्यू है यार ऐसे, ये पत्थर ही पत्थर है क्योंकि राजस्थान पत्थरों के लिए जाना जाता है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यार चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, और अभी हम वाटरफॉल जो जहाँ पे है वहाँ पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा दूर और रह गया है लेकिन यहाँ पे आओ तो संभल के चलना, नजर हटी तो त्रिकंडा घटी सरकटी सब हो जाएगा, समझ रहे हो, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना उतरते टाइम और ध्यान रख के उतरना, और शूज भी अच्छे पहन के आना क्योंकि पैर फिसलना नहीं चाहिए भाई, नहीं तो मैं बता नहीं सकता कितने हजार फीट नीचे जाओगे, उसका कोई अंदाजा भी नहीं है। ओह सो गाइस फाइनली यार बहुत देर के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिस चीज़ के लिए लेके आए वो चीज़ अब आपको दिखाते हैं। तो भाई ये देखो क्या ही अल्टीमेट चीज़ है यार, वो देख रहे हो पानी कितने ऊपर से गिर रहा है वाटरफॉल, ये नीचे तक आ रहा है और यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, यही है दमोह जो कि बहुत खूबसूरत है, देखो खुद ही में बहुत खूबसूरत है, दिख भी खूबसूरत रहा है और जगह भी काफ़ी खूबसूरत है, बस पत्थर पड़े हैं, हमेशा कभी भी आना पत्थर वत्थर देख के आना क्योंकि भाई पैर नहीं फिसलना चाहिए, मेन चीज़ ये होती है आप लोगों की। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ग्रीनरी है, हर साइड ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगी और पत्थर दिखेंगे और कुछ नहीं है, तो उधर साइड जाने की कोशिश करेंगे अगर पहुँच जाए तो। यस सर, सर कुछ नहीं मछलियाँ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो यार, देख सकते हैं वो वाटरफॉल जो पीछे है, मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, ये देखो पीछे से आ रहा है ना वाटरफॉल, ये देखो ये इसी कुंड में आके गिर रहा है, और बहुत अल्टीमेट जगह है यार सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, और नेचर देखो मतलब चिड़िया ची 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 कर रही है ना, तो यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है, तो देखो यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है क्योंकि यहाँ पे पत्थर है ना उस साइड पूरा शेड बना हुआ है ऐसे करके, और सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगा। विवेक सर आ रहे हैं अभी हमारे, देखिए पत्थरों पे चढ़ते चढ़ते ऑफ रोडिंग करके आए हैं देखो और क्लोज आ गए हम इसके, और भी ज़्यादा क्लोज आ गए, ऊपर से देखो झरना चल रहा है, और ये भाई यहाँ का हमारा रिंकू दोस्त लोकल है और काफ़ी अच्छा दोस्त है, इसने हमें गाइड किया है यार यहाँ तक रास्ता बताने में, और बाइक पे बिठा के मैं इसको लेके आया गांव से, ये कह रहा मेरे को भी ले चलो, तो मैं कहा तू चल और हमपन को भी जाना है, तो हम चले आए और इसको भी ले आए, और बाकी हमारे विवेक सर आ रहे हैं यहाँ पे, सर हम भी आ रहे हैं, लो आ जाओ सर आ जाओ पानी में आ जाओ, और सर को ना यहाँ पे बस एक सर को ना नहाना नहीं है, सर को बस पैर धोने हैं सर, इसलिए आ रहे हैं। हेलो दोस्त आयुष भाई, अरे आ जाते, ओके सर, भाई क्या ही व्यू है ना अल्टीमेट यहाँ का, कसम से ऑसम व्यू, ये ऊपर देखो ये देखो ये देखो ये देखो, और मैं एक बार ये से घुमाने की कोशिश करूंगा, बस यहाँ पे बारिश ना आ जाए नहीं तो बुरे गिर जाएंगे हम लोग यहाँ पे सर, सर तो अभी हम नाइट भी यहीं पे गुजारने वाले हैं, पूरा टेंट वेंट लेके आए हैं, वो
गाइस यहाँ पे एंजॉय बहुत कर लिया, मजा ले लिया, चिल मार लिया। और ये छोटू भाई, छोटू पीट करके मत बैठ दोस्त, इधर आ जाए, इधर साइड। तो यहाँ पे बहुत मजे आए छोटू, और छोटू के साथ हमारा छोटू दोस्त जो के मुझे घुसते ही गांव में मिल गया था। कौन सा गांव पड़ा था दोस्त? दीवानपुरा में दोस्त मिल गया था, और ये छोटू बोल रहा था कि हमें भी ले चलो। तो मैं छोटू को भी ले आया, और छोटू हमारा गाइड बन के आया गाइस। सच में बहुत मज़ा आया यहाँ पे, और लोकेशन बहुत अच्छी है। और लोकेशन में एक वाली आपको बता दूँ, आगरा से आप आओगे तो आगरा से आपको आना है पहले धौलपुर के लिए। धौलपुर से आपको पकड़ना है बाड़ीवाड़ा रोड, फिर बाड़ी वाले रोड पे आना है, फिर कोई एक गांव पड़ता है, कौन सा गांव है वो, यहाँ से हाईवे से कट लेते हैं, दीवानपुरा है तो इनका गांव है, लेकिन एक हाईवे से कोई गांव पड़ता है वो मेरे को याद नहीं है। तो वो ये लोकेशन वहां पे पड़ती है, उस गांव से आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, जब आके आप आओगे यहाँ पे। देख सकते हो यार, यहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, लोगों को नहीं दिख रहा, देखो वो लोग वहाँ पे हैं नीचे से, अभी इनको पता नहीं है मैं कहाँ पे, और उनका ये बोल रहे हैं, और मैं यहाँ पे बैठ के मस्त चिल कर रहा हूँ पेड़ों में। तो गाइस यार, जंगल वंगल का फील लेना है तो भाई आ जाओ यहाँ पे, सच बता रहा हूँ। और एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ लेके आना खाने के लिए, और मज़ा भी आएगा अगर आप लोग यहाँ पे खाने के लिए कुछ लेके आओगे। चिप्स वगैरह लेके आओ खाने के लिए, समोसे समोसे लेके आओ, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, खाली मत आना वरना पेट हमारी तरह गुड़गुड़ करेगा तुम्हारा भी, ठीक है? क्या बोला तूने? तो कुछ ना कुछ लेके आना, और बहुत चिल करोगे यहाँ पे। और जंगल वाला फील लेना है ना भाई, तो यहाँ पे जरूर आओ, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत मजा आएगा तुम्हें। और यहाँ से अब निकलने की बारी है, क्योंकि हम तो यहाँ पे बहुत चिल कर चुके हैं, चिल मार चुके हैं, तो यहाँ से चलते हैं गाइस। अब सो गाइस, अब यहाँ से निकल रहे हैं, और पूरा अपना ग्रुप, आविद भाई आगे जा रहे हैं और विवेक भैया पीछे आ रहे हैं। मज़ा आ गया सर, पक्का वाला, क्या बात है। ट्रैकिंग हो रही है, ट्रैकिंग। अब आ तो हम अच्छे से गए थे, लेकिन जाने में हमारी फटने वाली है बुरी वाली भाई। यही रास्ता था क्या? इधर ये वाला है, भूल गए आप? अरे ये है बिडू, ये रहा, इधर हो क्या? हमारा गाइड रास्ता भूल गया, मैं बता रहा हूँ से रास्ता। सांस तो अभी से फूलने लग गई हमारी, ऊपर कैसे जाएंगे यार, बहुत ऊपर जाना है अभी। तो चलो मिलते हैं यार आपको, आपको ना ऊपर मिलते हैं, ठीक है? तो गाइस अपन लोग यार वहां से निकल आए दमोह से, और वहां पे बहुत अच्छा व्यू था वहां का भाई, ट्रक वाले ने चढ़ा दिया अपने पे। 120 के आसपास होगा, 120 यहां से आगरा 120 है, तो 120 हमको ही 2 घंटे में गाड़ी को लगा देंगे, और अभी यहां से निकलेंगे बस। यहां से थोड़ा रास्ता खराब है, हाईवे मिल जाए, हाईवे से हमें 2 घंटे नहीं लगने आगरा तक के। हाईवे पे चढ़ गए तो भैया फिर तो पहुंच गए आधे घंटे। तो यूं मान लो कि भाई बाइक क्या अपनी तो रफ्तार मतलब हवाई जहाज बन जाती है भाई। ये तो बताओ विवेक भैया का आज फॉल डाउन हो गया। विवेक भैया यार मतलब छोटे से वाटरफॉल में से बाइक निकाल रहे थे, और वहाँ पे हमारा कैमरा चालू होता तो अच्छा हो जाता, तो भैया की बाइक स्लिप हो गई और वहाँ पे एकदम से गिर गई, बस काई जम रही थी तो काई पे जाके स्लिप हो गई भाई। भाई क्या नाम है भाई? दिल खुश भाई मिला यार, दिल खुश भाई हाथ मिला यार। सो लेट्स गो गाइस, और अब यहाँ से टाइम है अपना निकलने वाला। लेट्स गो गाइस, वो जाके भाई जो भी है जैसा भी था, लेकिन मजे आ चुके हैं। लाइक कर देना वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो गाइस, ठीक है? मतलब फुल मौज आ चुकी है, वाटरफॉल व्यू अल्टीमेट थे वहाँ के, बढ़िया व्यू थे गाइस, तो पूरा मज़ा आ गया अपन को। अब निकलते हैं यार घर के लिए। सो गाइस मैं खड़ा हूँ अभी यार बाड़ी से पीछे, और अभी आयुष भाई का वेट कर रहा था, क्योंकि यार आयुष भाई बड़ा बुलेट से क्रूज, बुलेट ऐसा है ना यार, बुलेट है तो अच्छी, लेकिन वो लॉन्ग राइड के लिए वैसे ठीक है, समझ रहे हो? एकदम से पिकअप है नहीं है उसका, तो वो नहीं चलती है, तो इसलिए मैं उनके लिए खड़ा हो जाता हूँ। ये है अपना
कॉलेज वाला रोड और सर मजे कर रहे हैं यहाँ पे लेट के। चलो प्रभु चलते हैं, क्या करें, यहाँ पे कहाँ रुक रहे हो, कहीं और देखते, कहीं छाए वाए में देखते कहीं पे। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ धौलपुर पहुंच चुका हूँ और ये अपना ग्वालियर आगरा वाला हाईवे जा रहा है। और सबसे बड़ी बात अपनी बाइक में नहीं है भाई, पेट्रोल रिजर्व लग चुका है इसमें, समझ रहे हो, इसमें रिजर्व लग चुका है। और यार फ्यूल अप कराना है, अपन ने यार बॉर्डर क्रॉस अपन कर चुके हैं और आगे जाके फ्यूल कराएंगे अपनी बाइक में भाई, ये फ्यूल अप कराना बहुत ज़रूरी है इसमें, समझ रहे हो यार। फ्यूल इंडिकेट कर गया, लो फ्यूल इंडिकेट कर गया अपनी बाइक का, तो फिलिंग कराते हैं इसमें पेट्रोल यार। चलो अच्छा लगा अपनी बाइक कम से कम, तो भाई मेरे को तो ये लग रहा था कि बाइक सर कैसे भी करके यहाँ पे अपन लोग पहुँच चुके हैं। कितना चल रहा है यहाँ पे, प्राइस क्या है? 99 रुपये 99.89 मतलब इसका रिलायंस का पैसा ज़्यादा है। अच्छा चलो कर दो जो भी है। अपन खड़े हैं यार हरी पर्वत पे और वीडियो को करते हैं यहीं पे हैं, और ये भैया भी साइड में आ ही चुके हैं, तो वीडियो की इंपेंड करते हैं और होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो पता है ना क्या करना है, करवाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ओके। तो भाई कर देना कमेंट करने एक अच्छा सा, ओके डोंट वरी, और लाइक तो वीडियो कर दिया करो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते यार वीडियो। अंकल देखना चाहिए आपको।